सिस्टम है जिस सिस्टम ने हमें बताया कि देखो इस्लाह के बाद फसाद न करना। आज जो हम इन लोगों की भीड़ के साथ यहां पर जमा हैं, हम ये चंद पैगाम देने के लिए जमा हुए। सबसे पहला पैगाम इस्लाम का ये है कि किसी को नुकसान न पहुंचाओ। दूसरा पैगाम, अगर इस्लाह हो जाए तो फसाद न करो। हम न फसादी के साथ हैं न आतंकवाद के साथ हैं, इसलिए कि हमारा रिश्ता ऐसे लोगों से है कि जो खुद आतंकवाद के खिलाफ थे। हम ये कहते हैं ये हिंदुस्तान एक अच्छा साफ बेहतरीन साफ महजब जबरदस्त एक मुल्क है। इस मुल्क की तहजीब को खत्म न कीजिए, इसलिए कि ये मुल्क वो है कि जिसमें आने के लिए लेकिन जब इंसान परेशान होता है तो किसी ऐसी जगह जाता है जहां पर उसे अमन अमान मिल जाए, जहां पर उसे चैन मिल जाए, जहां पर उसे सुकून मिल जाए। हमने तारीख में देखा और मकातिब ने बताया कि इमाम ने जो खुतबा दिया, जनाब अब्बास ने भी खुतबा दिया, जनाब अब्बास ने अपने खुतबे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में यजीद की फौज को मुतवज्जह करके ये बताया कि देखो अगर तुम हमें कहीं और नहीं जाने देते तो हमें हिंदुस्तान में आने दो। हम ये चाहते हैं कि फसाद बरपा हो, खूने जीना हो, तो लिहाजा हमें हिंदुस्तान में आने दो। हम हिंदुस्तान जाके जिंदगी गुजार लेंगे। अरे वो पैगाम जो कल इमाम ने दिया आज वही पैगाम हम दे रहे हैं। इमाम ने जबान से दिया आज हम उदाहरण से दे रहे हैं कि देखो इन दुनिया भर में आतंकवाद हो रहा है, उनको हम मुसलमान नहीं मानते, इसलिए कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। मुसलमान जहां जहां इस्लाम है वहां वहां आतंकवाद प्रशासन के लिए अपनी हुकूमत के लिए बस यही कहता हूं कि हम लोग हमेशा खून देते आए थे, सर देते आए थे अमन अमान के लिए। अगर मेरी हुकूमत अमन अमान के लिए सुकून के लिए हमारा सर भी जाएगी तो सर देने को तैयार है। कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी।
मौके मिले तो एक हिंदू कवि श्री कन्हैयालाल जी, और सुनिएगा भाइयों, श्री कन्हैयालाल जी अपने अशआर में बयान करते हैं, हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, हुसैन की नस्ल पे आंसू बहाएंगे हिंदू, हमारी नजरों में रावण से Ooh.